आईपीएल 2023 के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर का एक साथ आना भिड़ना और उनके कैमरे में कैप्चर तूतू मैं इतिहास में लीग के सबसे बदनाम क्षणों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। विराट गंभीर ने इससे पहले 2013 में कुछ कड़े शब्दों का आदान प्रदान किया था जब वो पहली बार आईपीएल में भिड़े थे और ठीक 10 साल बाद ऐसा लगता है कुछ भी नहीं बदला इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। मई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच फेस ऑफ के दौरान कोहली की एलर्जी के तेज गेंदबाज नवीन उल हक के साथ बहस हो गई थी। उनकी तीखी नोकझोंक कैमरे में कैद हो गई और मैच खत्म होने के बाद दोनों एक बार फिर हाथ मिलाते हुए आमने सामने हो गए। विराट और नवीन एक दूसरे पर निशाना साधते रहे, हालांकि गौतम के शामिल होने के बाद भी ड्रामा जारी रहा, जिसके बाद दिल्ली में जन्मे दोनों क्रिकेटरों ने प्रशंसकों को अपने बीच की पुरानी बातें याद दिला दी। इस लड़ाई से बीसीसीआई की छवि अच्छी नहीं रही और भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के अनुसार इसे देखना दर्दनाक था। 1983 वर्ल्ड कप के महान विजेता ने बीसीसीआई को सलाह दी और कोहली और गौतम के बीच हुए अगली ऑल्टरकेशन पर भी बात की और बताया इसे कैसे टाला जा सकता है। कपिल देव ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए संकेत दिया कि कैसे खिलाड़ी इन दिनों अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने इस बारे में काफी जानकारी साझा की कि बोर्ड कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि खिलाड़ी मैचों के दौरान ग्राउंडेड रहें। उन्होंने कहा, बीसीसीआई को खिलाड़ियों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी तैयार करना होगा। आईपीएल में गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो हुआ वो मेरे लिए पेनफुल था। 64 वर्षीय इस दिग्गज ने आगे कहा, मेरे दो सबसे महत्वपूर्ण लोग विराट कोहली दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में से एक, गंभीर अब संसद सदस्य हैं, वे इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी अपना दिमाग खो देते हैं, पेले से लेकर जॉन ब्रैडमैन और सभी लोग। आपको बता दें, इस इंसिडेंट के बाद बीसीसीआई ने कोहली और गौतम दोनों पर जुर्माना लगाया था और नवीन को भी गंभीर दंड दिया था। अब कपिल के ऐसा कहने के बाद देखना होगा कि कितने खिलाड़ी जो हैं उनकी बात सुनते नजर आते हैं। स्पोर्ट्स तक ब्यूरो, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।